यस हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आपका अपना हल्क, ठीक है, आपके सामने दोबारा से आ चुका हूं और आज अकेले नहीं आया हूं, आज एक मास्टर ब्लास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज को लेकर आया हूं। ठीक है, मैं तो बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाता ही हूं, ठीक है, और हम लोग बहुत अच्छे से काफी टाइम से बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और नए एजुकेटर आप लोगों के लिए आए हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर कुछ और फ्लेवर्स ऐड करने के लिए। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, मैं तो दिल्ली से हूं, ठीक है, तो अब दिल्ली के दो मुंडे आप लोगों के सामने आ चुके हैं जो आपको बिजनेस स्टडीज बड़ी डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। और अब इस बात की तो एंश्योरिटी हो चुकी है कि अब आएंगे आपके 100 में से 100 एंड देयर इज नो डाउट ऑन दैट। ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं बचता कि 100 में 100 आएंगे। कैसे आएंगे? तो बाल को अब 100 में 100 तो पक्के हो चुके हैं। ठीक है, मैं सर के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाल को, सर से भी थोड़े पहले मेरी बात हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने मतलब इतना 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 कुछ किया हुआ है ना, इतनी ज्यादा नॉलेज, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास कि मुझे लिखनी पड़ गई सारी बातें, हर एक चीज मैंने लिखा, इतना सर के पास नॉलेज है, इतनी यू नो डिटेल में पढ़ाने वाले आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सर के बारे में आपको बता देता हूं, सर खुद भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा मेरा भी तो फर्ज है बाल को। लेकिन बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जाइए अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लेके आ जाइए, सबको बता दीजिए कि आज आपके अनुराग सर एक और मास्टर ब्लास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज लेके आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, जो 12th क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में, सर के बारे में बताता हूं। ही इज मनु सर एंड ही इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द लास्ट 2 years। ठीक है जी, क्या पढ़ाते हैं सर? फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। साथ साथ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का डिप्लोमा है सर के पास। सो काफी कुछ है, काफी कुछ ऐड होने वाला है आपकी बिजनेस स्टडीज में, काफी डिटेल में ऐड होने वाला है आप लोगों की बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, तो काफी मजा आएगा गाइस, जाइए एक बार दोस्तों को बुला के आइए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है सर के बारे में जानकर। सर से सुनने से पहले व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, ओवर टू यू मनु सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन अनुराग सर। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कराया, यू आर द हल्क ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु मेहरोत्रा और यहाँ मैं भी दिल्ली से अनुराग सर को सपोर्ट करने आ गया हूँ, हल्क के पीछे कैप्टन अमेरिका की बिजनेस स्टडीज में, और चार चांद लगा दें हम आपके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं अपना। तो 2015 वाज द ईयर व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय 12th। वो साल था जब मेरे को बिजनेस स्टडीज में एक्चुअल इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एवरीथिंग अराउंड अस रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस, राइट? तो हर एक चीज इतना फैसिनेटिंग लगा मेरे को। वो ही साल था जब सीबीएसई ने एंड टाइम पे मार्च में पैटर्न चेंज करके स्ट्रेट क्वेश्चन से शिफ्ट कर दिया था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसका हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो जब केस स्टडीज क्वेश्चन पे हम शिफ्ट हो गए और पता नहीं लगा एकदम से क्वेश्चन पेपर सामने आया, तो क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी मेरे को, बिकॉज जो भी मेरे टीचर थे उन्होंने मेरे को एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिया था, तो हमेशा कोई ना कोई कीवर्ड पकड़ के मैंने सारे आंसर्स करे एंड आई स्कोर 99 out of 100 व्हेन आई वाज इन क्लास 12। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब तो 4-5 साल हो गए हैं, हमें पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, हॉट्स क्या होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ के चलेंगे, अपनी रियल लाइफ से थोड़े से एग्जांपल्स ड्रॉ करेंगे। हर एक चीज यार, एसी का रिमोट उठा लो या टूथब्रश उठा लो, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस। हम और आप भी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो इसके पीछे भी एक पूरा एल्गोरिथम चल रहा है जो यूट्यूब रन कर रहा है आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसमें भी बिजनेस है। तो वैसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, छोटी छोटी चीजों को पकड़ेंगे जिससे समझ में आ जाए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। और जब एक बार आप लोगों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप लोग नहीं बता पाएंगे। हालांकि मैं सेशंस लूंगा हर एक चीज पे, केस स्टडी बेस्ड स्पेसिफिक सेशंस पक्का लेंगे एकदम, और ऐसी नहीं यार, ये नॉर्मल वाली केस स्टडीज नहीं की एक्स वाई जेड ने बिजनेस स्टार्ट करा, उसके पास 100 रुपए आए, उसने 500 रुपए खर्च करे ऐसे और 100 रुपए खर्च करे ऐसे, तो फिर क्या होगा? रियल लाइफ केस स्टडी लेंगे, टाटा अंबानी के एग्जांपल्स लेंगे, आप भी कनेक्ट करिए उनसे और हम भी कनेक्ट करेंगे उनसे। तो ऐसे थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि एकदम आपको इंगेज रखें सेशन में। एंड हालांकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेशन के साथ,
कि 11th 12th की 12th की मेजरली एकदम अच्छे से स्टार्ट रहे, तो टर्म वन का सिलेबस पहले कवर कर लेंगे, फिर टर्म टू का करेंगे और एकदम बढ़िया करके एंजॉय करते हुए सारी क्लासेस निकालेंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर। सो बालको, जैसे कि सर ने इतनी सारी बातें बोली, इतना कुछ बताया कि केस स्टडीज कैसे आई है और कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो सुन के कैसा लग रहा है बालको, एक बार कमेंट सेक्शन में बताते रहना साथ साथ, क्योंकि बड़े ही ऐसे टीचर्स आसानी से नहीं मिलते हैं, काफी टाइम लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढने पड़ते हैं। देखो आपके पास हल्क तो है, ठीक है, अब आपके सामने एक मास्टर ब्लास्टर भी तो होना चाहिए, सो मास्टर ब्लास्टर सर को भी हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों के साथ। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं, हमारे एक नए एजुकेटर भी आए हैं और एक नया चैनल भी आया आप लोगों के लिए, ठीक है, सो नए चैनल पर नए एजुकेटर के साथ सर पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज वाला क्लास 12th को, ठीक है जी, मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11th को, मैं जहां पढ़ाता हूं 12th क्लास में वहीं पढ़ाऊंगा, यहां नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पढ़ाएंगे आपको सर, ठीक है, तो मेरे से भी पढ़िए, सर से भी पढ़िए, दोनों से पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों दिल्ली के ही हैं, तो कुछ अलग नहीं पढ़ाने वाले, सेम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, मजा आएगा, बस मैं जो सिलेबस लगाऊंगा उस सिलेबस में चेरी वगैरह काम करेंगे हमारे मनु सर, तो काफी डिटेल में समझने वाले हैं। सर मेरे कुछ सवाल हैं, जो सवाल मेरे नहीं एक्चुअल बच्चों के, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा सर, जो आपको लगेगा आप आंसर दीजिएगा, ठीक है सर, फाइन सर, हाँ सर, ओके सर। तो सर पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि सर बिजनेस स्टडीज ना एक टोटली थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कितना याद करें, कैसे याद करें, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं फिर याद करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं सर, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी टेक्निक्स बच्चों को बताए हैं कि कैसे कैसे आप थ्योरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एग्जाम्पल से रिलेट करिए, ठीक है, अब तो वैसे भी एमसीक्यू एग्जाम आने वाला है तो थ्योरी ज्यादा आपको याद नहीं करनी है, की वर्ड्स पकड़ने हैं, की पॉइंट्स पकड़ने हैं, ठीक है, तो सर इसमें आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ऐड करना चाहेंगे, कि क्या आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि बच्चों को याद ना करना पड़े? जी सर, ओवर टू यू। सर लगता है कि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको बड़ा ही मिस अंडरस्टूड करा गया है पिछले कई टाइमों से, और वो इसलिए भी है क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि भाई सब कुछ रटना ही है, बट मैंने रियलाइज करा जब मैं बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के थ्रू गया कि यार जो भी ये चीजें बता रहे हैं वो हमारे आसपास हो तो रही हैं। बिल्कुल, आप एग्जांपल पिक कर लो ना, आप कोई भी एग्जांपल पिक कर लो, कोई भी चीज उठा लो, आपको उसकी हर एक चीज समझ में आ जाएगी। क्लास 12th का पहला चीज है, बेसिक है मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि भाई वो एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल। क्या ये हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते? क्या मम्मी नहीं बोलती टाइम पे काम करो और पैसे बचाओ? बिल्कुल। तो सर बस वही चीजें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, हालांकि वो सब याद रखने पड़ेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो लोगों को, बच्चों को याद रखने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आराम से होगा, इंटरेस्ट बनाए रखे अपना बच्चे और अपना एकदम थोड़ा अटेंशन से एक दो घंटे आके भी सुन लेंगे ना, तो मतलब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है 9900 मार्क्स लाने में बिजनेस स्टडीज में। सर मेरा जो दूसरा सवाल है ये है कि सर अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, ठीक है, नवंबर में हमारे एग्जाम्स है, टर्म वन के एग्जाम नवंबर में है, ठीक है, टर्म वन टर्म टू से एग्जाम होने वाले हैं, टर्म वन के एग्जाम में 6 चैप्टर आ रहे हैं और 6 चैप्टर में सर अगर आप आते हैं तो आपके कैसे आप सर ये 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर इस सिलेबस को लेकर 2 महीने में कवर करने के लिए? जी सर। सर देखिए, मेरा एक फिक्स्ड घंटा है डेली का जो कि शाम को रात को 9 बजे से 10 बजे, आप बच्चे सब लोग अपना डिनर करिए, आराम से टीवी देखने की बजाय ऑनलाइन आइए, इको बिज का चैनल खोलिए और आइए, बस बातें सुन लो यार मेरी, मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई करो, बुक बुक खोल के बैठो, बस बातें सुन लो, एक बार सुनोगे नहीं समझ में आएगी, दूसरी बार सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टर्म 6 के 6 चैप्टर्स हैं, हमारे पास 2 महीने हैं, इसमें हम 15 दिन निकालेंगे रिवीजन के, 1.5 महीने में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चैप्टर्स को पकड़ के रेल दिया, ऐसा नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे, उनके एमसीक्यू साथ में भी डिस्कस करेंगे, वीकली क्विजेस लेंगे, मेंटी क्विजेस लेंगे और फिर एट द एंड मैराथन सेशंस करेंगे, केक वॉक सर, आराम से होगा। बिल्कुल सर, सो आप हैं, मैं हूँ, सो हम दोनों मिल जाएंगे ना, तो 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है, तो मजा आएगा, बालको अच्छे से करेंगे, टेंशन ना लो आप लोग। सर मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि सर क्या बिजनेस स्टडीज में भी 100 नंबर लाए जा सकते हैं, क्या लगता है सर आपको? सर देखिए,
मेरे हिसाब से तो लाए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे 99 मार्क्स आए थे। एक मार्क्स मुझे अभी तक नहीं पता वो टीचर ने क्यों काटे, क्योंकि मेरे सारे आंसर सही थे ऐसा मुझे लगता है। वो जब जिस किसी भी बच्चे के अगर 97, 98, 99 आ रहे हैं ना, उस बच्चे को समझना चाहिए कि वो 100 मार्क्स ही हैं। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर किसी पर्टिकुलर बुक के रेफरेंस लेकर आपसे 5 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने 4 मेजर पॉइंट्स लिख दिए और 1 पॉइंट किसी के साथ ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल फोर्थ पॉइंट में आपने फिफ्थ पॉइंट ऐड कर दिया, तो वो टीचर उस बात की गहराई को नहीं समझता है और वो 1 मार्क्स काट लेता है। तो सब बच्चों को बेफिक्र रहना चाहिए, 97, 98, 99 वाले सब 100 मार्क्स वाले हैं। बिल्कुल सर, क्या बात है सर। तो सर मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि सर जो हमारे पास जो भी एमसीक्यू एग्जाम है, तो केस स्टडी भी आ रहा है सर, अब इस साल से एसोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, एसोसिएशन रीजनिंग भी आएगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है, केस स्टडीज भी रहेंगी, एमसीक्यू बेस्ड भी रहेगा, तो क्या आप इन सब के लिए सेपरेट सेशन लेने वाले हैं या फिर वही जो सेशन है अपना उसी के अंदर आप कवर करेंगे सर? सर देखिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत सिंपल है, कुछ फैंसी नहीं, एक टॉपिक कवर करो, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यू के उसी टाइम पे पूछ लो, जिससे कि बच्चों को आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल सर। वीकली मेंटी क्विजेस रखी है जिसमें केस स्टडीज वगैरह समझ में आ जाएंगी कैसे आती हैं, केस स्टडीज के लिए सेपरेट क्वेश्चंस, और बाकी बीबीक्यू हो गए, हॉट्स हो गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हॉट्स भी आ जाते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसमें रिवर्स साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो सारे चीजों के लिए अलग से सेशन होंगे जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर अगर हमने एक हफ्ते में कंप्लीट करा है तो सैटरडे को 3 घंटे का सेशन रख के पूरा रिवाइज करके उसके साथ हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, क्या बात है सर। तो एक मास्टर प्लान आपके पास भी रेडी है सुबाल को, जैसे कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि सर यू नीड टू ऐड सम फ्लेवर्स इन दैट टॉपिक और कुछ कंसेप्ट में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई, सो यू कैन मूव टू मनु सर एंड यू कैन हैव सम यू नो जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन रिजॉल्व दैट। ओके, सो सर मेरा लास्ट सवाल ये आपसे कि ये लास्ट का लास्ट हो गया, ठीक है, कि कब से स्टार्ट हो रहा है सर और कहाँ स्टार्ट हो रहा है सर, कितने बजे आ रहे हैं क्लासेस, ठीक है सर एक बार बता दीजिए। चैनल का नाम इको बिज, ओके, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को ऐड करके हमने बना दिया इको बिज। बिल्कुल, चैनल का नाम इको बिज, जो आपको एकदम याद रहेगा। मैं आऊंगा रात को 9 बजे, पहला चैप्टर जो हम कल को कवर करने वाले हैं, मैं कल को दैट इज 19th of August, मैं आ रहा हूँ 19th of August को रात को 9 बजे, और जो हम पहली चीजें कवर करेंगे वो है कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, सिलेबस के क्या पार्ट्स हैं, टर्म वन में क्या क्या आ सकता है, और सबसे बेसिक चीज व्हाट इज मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट को समझ लेंगे तो हमें आगे के चैप्टर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है सर, सो बाल को कल से आपको अखा इंडिया किधर आ रहा है बाबू, सो अखा इंडिया आ रहा है कहां पर, इको बिज पे। ये इको बिज सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम सब मिलके क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर सब लोग आएंगे, ठीक है, और एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जहां पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का माहौल ही माहौल है, ठीक है। तो अगर आप इस माहौल में जीना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। एक ऐसी दुनिया वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एनवायरमेंट जहां पर सिर्फ इको और जहां पर सिर्फ बिजनेस चलेगा बाल को। सो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आना मत भूलिएगा कल से कितने बजे, कल नहीं, आज रात 9 बजे से, ठीक है, 19th, याद है ना, आज 19 तारीख है, 19 तारीख रात को 9 बजे सर आने वाले हैं, तो अभी से जाके अलार्म लगा लो बाल को, मैं भी अलार्म लगा रहा हूँ, मैं भी आऊंगा सर क्लास में, तो होपफुली आप भी लगा लीजिएगा भाई रिमाइंडर, मैं भी लगा रहा हूँ, जल्दी से जाके आप लोग भी रिमाइंडर सेट कर लीजिए और रात को 9 बजे सर की क्लास में जरूर आना है। 4 बजे मेरी होती है, आपको पता है कहां पर होती है, 4 बजे के बाद रात को 9 बजे सर की क्लास लीजिएगा, ठीक है, और जो भी बैचेस चल रहे हैं गाइस, हर बैच में आओ, तहलका मचा दो, 100 में से 100 नंबर लाने का सपना अब तो पूरा करना ही करना है गाइस, ठीक है सर। सो सर एंडिंग कुछ, बस सर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे, लेट्स क्रैक इट। Let's crack it, sir. So, बाल को मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 9 बजे मनु सर के साथ। Till then, bye bye, take care, जय हिंद जय भारत।